सेरेमिक पॉट का नाम सुनते ही अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन पैसे भी इनमें अच्छे लगते हैं और कई बार हम आनाकानी कर जाते हैं। अक्सर मैं तो कर ही जाती हूँ आनाकानी, लेकिन आज मैंने नहीं की है। आज मैंने खरीद ली है ये सेरेमिक पॉट और इनके अंदर मैं लगाने वाली हूँ प्लांट। कौन से प्लांट लगाऊंगी आपके साथ वीडियो में ये शेयर कर रही हूँ। तो इतना तो मुझे पक्का पता है कि आप ये वीडियो देखने के बाद आप भी सेरेमिक पॉट है खरीदेंगे और उनके अंदर प्लांट लगाएंगे। और जब हम सेरेमिक पॉट के अंदर प्लांट लगाते हैं तो प्लांट की खूबसूरती तो कई गुना बढ़ जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी गुड लाइफ। आज मैं लगाने वाली हूँ सेरेमिक पॉट के अंदर प्लांट लगाने वाली हूँ। वैसे तो देखिए मैंने कई वीडियो में सेरेमिक पॉट बनाए हुए हैं, छोटे छोटे पॉट्स जो बहुत अच्छे लगते हैं सेरेमिक पॉट। और आज फिर से मैं ले आई हूँ सेरेमिक पॉट। और ये पॉट जो है हमारे बहुत महंगे मिलते हैं, लेकिन जो ये वाला पॉट आप देख रहे हैं ये बिल्कुल भी महंगा नहीं है और इसको आप खरीद सकते हैं। जो हम नर्सरी से लेते हैं वो तो बहुत महंगे मिलते हैं और काफ़ी बड़े बड़े भी होते हैं, छोटे साइज़ के भी मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते, छोटे साइज़ के भी मिल जाते हैं, लेकिन जो ये आप देख रहे हैं ये मैंने लिया है बहुत ही सस्ता। और ये क्या है, ये देखिए ये है मेरा सेरेमिक कप। तो इसके अंदर मैं प्लांट लगाने वाली हूँ, तो आप भी बेझिझक होके इसके अंदर आप प्लांट लगा सकते हैं। हमारे जो सेरेमिक पॉट होते हैं वो तो हम खरीदते वक्त, हम लेडीज़ लोग तो कई बार कर जाते हैं कि हम नहीं खरीदते, लेकिन आदमी लोग तो ले लेते हैं। लेकिन हम लेडीज़ लोग ऐसे हैं कि हम हर चीज़ में बचत करने की कोशिश करते हैं और बहुत ही सस्ते में निपटाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही मैंने सस्ते में इसको निपटा लिया है और आज मैं अपने गार्डन को और सुंदर बनाने वाली हूँ। और देखती हूँ, वैसे तो मेरा गार्डन पहले से ही सेरेमिक पॉट का भरा हुआ है, मैंने काफ़ी सारे सेरेमिक जो छोटे छोटे पॉट्स हैं वो बनाए हुए हैं। तो आज फिर मेरा मन कर गया कि मैं सेरेमिक पॉट के अंदर प्लांट लगाऊं। तो ये देखिए, ये लिए हैं मैंने दो सेरेमिक पॉट लिए हैं, और ये मेरे पॉट नहीं है, ये मेरे कप है, लेकिन लगते ये सेरेमिक पॉट की तरह है। सेरेमिक तो है ही, ये देखिए सेरेमिक तो है ही, लेकिन ये पॉट की तरह ही दिखते हैं और ये पॉट ही है। जब हम इनमें प्लांट लगा देंगे तो ये पॉट बन जाएगा और इसके अंदर चाय पियेंगे या कॉफ़ी पियेंगे तो ये हमारा चाय मग हो जाएगा, कॉफ़ी मग हो जाएगा। और आज मैं प्लांट लगाने वाली हूँ तो ये पॉट बन जाएगा मेरा। तो चलिए इनके अंदर लगाते हैं और आप भी लगाइए इन महंगे महंगे कप्स के अंदर। ये महंगे महंगे नहीं है, ये सिर्फ मुझे मिला है 25 रुपए का। ये थोड़ा बड़ा साइज है तो ये मुझे 25 रुपए का मिला है और मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इससे भी पहले, ये देखिए ये मैंने पहले लगाए हुए हैं सेरेमिक कप में के अंदर लगाए हुए हैं, और इनको हम वेस्ट कर देते हैं, वेस्ट कर नहीं देते, वेस्ट हो जाते हैं ये हमारे किचन में जब हम काम करते हैं या कई बार हाथ से टूट जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह हैंडल टूट गया था और इसको मैंने अपने गार्डन में यूज़ कर लिया और कितना सुंदर ये मेरा जो सेरेमिक पॉट है वो लगता है। ये देख रहे हैं आप, इसके अंदर स्माइल भी बनी हुई है और स्माइल देता है तो काफ़ी अच्छा लगता है ये पॉट जो हमारा है, तो कितना सुंदर लग रहा है। और इसके अंदर ऐसा प्लांट लगाएंगे जो हम इंडोर रख सकते हैं। मैं तो इंडोर रखने वाली हूँ क्योंकि मैंने जो आउटडोर है ये काफ़ी प्लांट रखे हुए हैं। ये देखिए जो ये वाला आप देख रहे हैं ये इंडोर प्लांट है, लेकिन आप आउटडोर प्लांट भी इनके अंदर लगा सकते हैं छोटे छोटे। तो चलिए देखते हैं मैं अभी कौन सा इनके अंदर प्लांट लगाती हूँ, इंडोर लगाती हूँ या आउटडोर लगाती हूँ। सोचा तो मैंने ये है कि मैं इंडोर इनको रखूँगी क्योंकि मेरे गार्डन में स्पेस ख़त्म हो चुका है, पॉट्स रखने के लिए जगह नहीं बच रही है, इसलिए मैं इनको इंडोर रखने वाली हूँ। वैसे तो ये मैंने अभी तो मैंने ये खरीदे हैं, लेकिन आप अपने घर पे भी बना सकते हैं। अगर इनको आपने खरीदना नहीं चाहते हैं तो आप इनको अपने घर पे ही, जो हमारे चाय वाले कप होते हैं टूट जाते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये एक और है मेरा जो चाय का कप था, कॉफ़ी मग था, और ये टूट गया है। ये देखिए यहाँ से ये टूट गया था और इसको मैंने इसके अंदर प्लांट लगाया है और कितना सुंदर लग रहा है ये प्लांट। और यही प्लांट मैं लगाने वाली हूँ और भी मैं आपको दिखाती हूँ। आप खरीदने की कोशिश ना करें, अगर आपके पास नहीं है कप सारे सेफ हैं, मतलब अच्छे हैं, तो उनका यूज़ ना करें। इस तरह से टूटे हुए कप आप अपने गार्डन में यूज़ करें, जो हमारे वेस्ट हो जाते हैं उन्हीं को आप अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं और छोटे छोटे से सुंदर सुंदर हमारे सेरेमिक पॉट जो है तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल फ्री के हैं ये मेरे वाले जो छोटे छोटे आप कप देख रहे हैं, ये सेरेमिक है। और लेकिन इनका जो हैंडल है वो टूट गया था, ये देखिए इसका हैंडल नहीं टूटा है,
लेकिन ये टूट गया था यहाँ से, तो इस तरह से सेरेमिक पॉट को आप बना सकते हैं। ये हमारे कप से ही, कप को ही हमें बनाना है और कुछ नहीं करना है। और ये देखिए, ये है मेरा छोटा सा एक प्लास्टिक का कप है, ये सेरेमिक नहीं है लेकिन ये प्लास्टिक का है। लेकिन आप इसके अंदर देखिए प्लांट कितना अच्छा लग रहा है, और प्लांट की ग्रोथ भी आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, और काफ़ी इस पर अच्छी ग्रोथ हो गई है। तो इस तरह से भी प्लास्टिक कप का भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर भी लगा सकते हैं। और ये देखिए, ये मैंने छोटे छोटे से प्लास्टिक कप लिए हैं, ये बिल्कुल प्लास्टिक के, देखिए प्लास्टिक के, और इनमें भी मैं प्लांट लगाने वाली हूँ। और आप कहेंगे कि प्लांट हमारा ख़राब हो जाएगा इनके अंदर हम प्लांट लगाएंगे, तो नहीं, ख़राब नहीं होगा। आप खुद देख सकते हैं ये मैंने कब से लगाए हुए हैं। अगर छेद करना चाहते हैं तो पेचकस गर्म करिए और इनके अंदर छेद कर लिए, लेकिन मैं बिना छेद करे इनके अंदर प्लांट लगाने वाली हूँ। क्योंकि अगर हम छेद करते हैं तो पानी हमें काफ़ी देना पड़ता है इनके अंदर, और जब हम छेद नहीं करेंगे तो हमें पानी कम देना पड़ेगा। बस पानी का हमें ध्यान रखना है कि हमें पानी बिल्कुल नहीं देना होता है इनके अंदर, बहुत कम पानी देना होता है। मैं तो पता नहीं, मुझे याद नहीं रहता मैं कब देती हूँ कब नहीं देती हूँ, लेकिन ये कुछ मैं ऐसे ही प्लांट इनमें लगाती हूँ जो कभी ख़राब नहीं होते हैं, जल्दी से ख़राब नहीं होते, कई सालों तक ये हमारे पास चलते रहते हैं। तो ऐसे ही मैं प्लांट लगाऊंगी, बिना छेद के लगाऊंगी। ये देख सकते हैं मैंने इनके अंदर कोई, इसके अंदर तो किया है, सॉरी भूल गई, इसके अंदर मैंने छेद किया है लेकिन इसके अंदर शायद मैंने नहीं किया है। ये देखिए, ये वाला आप देखिए, इसके अंदर मैंने होल नहीं किया है, देख सकते हैं आप बिल्कुल, और बिल्कुल आप देख सकते हैं पानी वानी कुछ नहीं है इनके अंदर। मैं 10-15 दिन भी हो जाते हैं तब भी पानी नहीं देती, तब भी ये प्लांट ख़राब नहीं होते हैं। बस कभी कभार हल्का फुल्का दे देती हूँ, लेकिन देना ज़रूरी है, हमें पानी ज़रूरी देना है। तो चलिए देर ना करते हुए हम इनमें प्लांट लगाना शुरू करते हैं। और आप बेझिझक होकर अपने रसोई से जो टूटे फूटे कप हैं उनको आप निकालिए और उनके अंदर प्लांट लगाइए। तो चलिए देखते हैं कौन से मैं प्लांट लगाने वाली हूँ अभी। ये है मेरे सेरेमिक पॉट, ये है प्लास्टिक पॉट, तो चारों में मैं प्लांट लगाने वाली हूँ। और इनके अंदर होल नहीं करने वाली हूँ मैं, ना ही प्लास्टिक में ना ही सेरेमिक में होल करने वाली हूँ। अगर आप चाहते हैं कि होल करके हम इनमें प्लांट लगाए हमसे ख़राब हो जाते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो कमेंट में लिखिएगा तो मैं आपको होल करना बता दूँगी। तो चलिए इनके अंदर फटाफट से मैं मिट्टी भर लेती हूँ, और मिट्टी में बिल्कुल सिंपल ही बना रही हूँ, जो अपने हर पॉट की बनाती हूँ वही मिट्टी मुझे इसके अंदर फिल करनी है। मैं ज़्यादा कुछ इसके अंदर नहीं मिला रही, सिर्फ इसके अंदर कंस्ट्रक्शन जो हमारी रेत होती है वो हमें इसके अंदर ज़्यादा मात्रा में लेनी है, मिट्टी मतलब कम लेनी है, और इसके अंदर जो बजरी होती है वो हमें ज़्यादा इसके अंदर ले लेनी है। बस यही हमारी मिट्टी तैयार है, और आप चाहे तो कोयले वगैरह भी इसके अंदर डाल सकते हैं। मैं इसमें कुछ नहीं डाल रही हूँ, आप देख रहे हैं इसके अंदर कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसके अंदर पत्थर वगैरह, रोड़ी वगैरह कुछ भी इसमें अंदर डाल सकते हैं। मैं सिंपल ही तरीके से इसमें प्लांट लगाती हूँ, और मेरे शुरू से ही इसके अंदर ऐसे लगे हुए हैं। तो चलिए फटाफट से मिट्टी भर लूं, मैं लगाने वाली हूँ एक पॉट के अंदर। और जो आप इसके बेबी प्लांट देख रहे हैं बहुत ज़्यादा इसके अंदर निकल गए हैं, ये देखिए एक यहाँ पे निकला हुआ है और साइड साइड में इतने निकल गए हैं, और ये अब अभी ग्रोथ अपनी अच्छे से पकड़ रहा है ये। और इसकी जो बेबी प्लांट है टूट के गिर गए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, है सेरेमिक वाला वो रखा था और इसके टूट के ना यहाँ पे मतलब गिर गए थे, ये देखिए वो तो मैंने उठा के लगा दिए हैं। और ये इसके अंदर छोटे छोटे से ये देखिए बेबी प्लांट इसके निकले हुए हैं, और इनको हम मैं इन्हीं को लगाने वाली हूँ, ये देखिए। और ये देखिए इसके अंदर तो रूट भी बनी हुई है, आप देख रहे हैं इनके अंदर रूट भी बन गई है। ये अभी 3 दिन पहले का गिरा हुआ है ये प्लांट, 3 दिन पहले ही मैंने लगाया, क्योंकि 2 दिन तो मैं अपने गार्डन में काम नहीं कर रही थी अच्छे से, क्योंकि मुझे कहीं जाना था तो इसलिए मैं नहीं कर पाई थी। इसलिए मैंने ये प्लांट यहीं पे मिट्टी में रख दिए थे, बस मैंने इनको लगाया नहीं था। तो ये देखिए ये लगाने वाली मैंने ये लगा ले लिया है, स्नेक प्लांट की एक वेराइटी है मेरे पास, तो इसको मैंने निकाल लिया है। और ये मैंने पहले पानी में लगाई हुई थी और इसी को मैं लगाने वाली हूँ। देखिए हाफ मिट्टी हमने इसके अंदर भर लेनी है और इसके अंदर इस तरह से लगा देना है। और अब मैं मिट्टी भर देती हूँ इसके अंदर। ये देखिए पानी हम दे देंगे पहले, प्लांट लगाने से पहले हमें हल्का हल्का सा पानी देना है, ज्यादा नहीं देना है। ये देखिए इसके थोड़ी सी अंदर चला जाएगा ये पानी, और इसको भी गीला कर लेंगे। इसमें तो मैंने प्लांट लगा दिया है लेकिन इसको भी मैं ऊपर से दे देती हूँ,
कोई बात नहीं, लेकिन हमें पहले पानी थोड़ी सी मिट्टी गीली कर लेनी है। और ये देखिए इनमें तो थोड़ी थोड़ी जरूरत थी तो मैंने इनको थोड़ा ही दिया है। और ये देखिए जो छोटे छोटे से बेबी प्लांट थे इनको मैं यहीं पे लगा रही हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी से इनकी रूट निकलने लग रही है। ये देख सकते हैं कितनी जल्दी इनकी रूट निकल रही है। तो इस तरह से ये देखिए मैं इन्हीं को लगा रही हूँ इनके अंदर, तो मेरे पास ये कई प्लांट बन जाएंगे। और ये कैक्टस सेकुलेंट कैक्टस है और इसको मैंने लगा दिया है देखिए। और अब इसके अंदर भी लगाऊंगी ये वाला ही प्लांट मैं। और यहाँ से मैंने तीन इसके अंदर लगा दिए और ये वाला मेरा जो स्नेक प्लांट है, तो चार मेरे पॉट्स हो गए हैं फ्री के। और ये देखिए ये पुराने वाले मेरे ये सारे सेरेमिक पॉट रखे हुए हैं, दो है ये प्लास्टिक के हैं ये वाले। और देखिए इस तरह से सेरेमिक कप का आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए आप कोई भी प्लांट लगा लीजिए, ये स्नेक प्लांट लगा सकते हैं, सेंसिवेरिया लगा लीजिए या फिर जेड प्लांट लगा लीजिए। और छोटे छोटे और भी है, मैंने उठाए नहीं है सारे, तो ये तो कुछ ही प्लांट है मेरे। और इनको रखिए आप ऐसी जगह पे जहाँ पे ये वैसे छोटे छोटे पॉट्स हैं, इनको आप अपनी टेबल पे भी रख सकते हैं, आप इनको बाथरूम में भी रख सकते हैं, जगह बना के रख दीजिए वहाँ पे, अगर जगह है तो रख दीजिए। और किचन में भी रख सकते हैं आप इसको, लिविंग रूम में भी रख सकते हैं, बेडरूम में भी रख सकते हैं। ये वाला प्लांट है कहीं भी चल जाता है, ये इंडोर प्लांट है। आप इसको बस हफ्ते 10 दिन में एक बार बाहर सनलाइट दिखा दीजिए और बहुत ही अच्छे से चलता है, खराब होता नहीं है। ये आप देख, ये देखिए इस तरह से आप पबल्स इसके अंदर डाल दीजिए। छोटे हैं बड़े हैं पत्थर काफी अच्छे लगते हैं, ये इस तरह से हम लगा देते हैं ना तो काफी अच्छे लगते हैं। ये देखिए इनमें भी मैंने, देखिए इसके अंदर तो मैंने पहले से ही लगाए हुए हैं। तो आपको कैसे लगे हैं, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। प्लांट लगाने के बाद आपने एक बार पानी दे दिया है, अब सेरेमिक जो पॉट है जब हम होल कर लेते हैं तो पानी अच्छा दे देते हैं, मतलब हफ्ते 10 दिन में भी दे सकते हैं। लेकिन आपने होल नहीं किया है तो इनके अंदर पानी आप बिल्कुल, मिट्टी ड्राई हो जाए, नीचे तक की मिट्टी ड्राई हो जाए यहाँ तक की, तभी आपको देना है। 3-4 इंच की मिट्टी ड्राई हो जाए तब आपको पानी देना है। अगर आप ऐसे ही पानी देते रहेंगे जैसे आज दे दिया फिर 2-3 दिन में दे देंगे, तो देखिए प्लांट हमारा जो है खराब हो जाएगा, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में बहुत कम मिट्टी है जो हमारी प्लांट की ड्राई होती है। और मेरे सेरेमिक पॉट आपको कैसे लगे, सेरेमिक पॉट के लिए भी एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि मेरे जो महंगे महंगे से जो पॉट है, सेरेमिक पॉट है, आपको कैसे लगे हैं। तो चलिए फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।